नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको पहले खबर दिखाई थी कि दो लड़के जो कि अपने पिता के साथ आते हैं, जिसके बाद यहां पर वो डूब जाते हैं, इस समय यमुना नहर के पास हम खड़े हुए हैं पीड़ बड़ोली गांव के अंदर। और फिलहाल जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं, जो गोताखोर हैं जो गाँव के, वो भी फिलहाल यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन बता दें अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ नहीं पहुँचा। हाँ, पुलिस जो है वो फिलहाल जो घरोंडा थाने से है वो ज़रूर पहुँची हुई है और वो लगातार प्रयास कर रही है गोताखोरों से संपर्क करने का, लेकिन अभी तक जो है फिलहाल कोई भी जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर गोताखोर है कहां पे। हालांकि बताया जा रहा है कि वो रास्ते में है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है, बता दें लगभग 2 घंटे जो है बीत चुके हैं, और क्योंकि दिन जो है कुछ ही समय बाद जो है वो ढल भी जाएगा 2 से 3 घंटे के बाद, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं लग पा रही है। उनके जो पिता हैं वो भी फिलहाल मौके पर हैं, हालांकि जो पुलिस है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सुरेंद्र सुंदर जी हैं सर, क्या कहेंगे अपना, जैसे कोशिश, मतलब अभी तक कोई प्रशासन का पहुंचा नहीं है, क्या कुछ बोलेंगे? अभी कोशिश जारी होगा, वो करण सिंह जो से गोताखोर प्रकट सिंह आने लग रहे हैं, वो 5-10 मिनट पहुंच जाएंगे और फिर उसको कार्रवाई करेंगे जैसे। कोई नहीं, सुबह से फोन कर रखा 8 बजे से। तो जी जी सर, सुबह 8 बजे उनसे प्रकट सिंह से बात हुई थी, मौके पे वो कह रहे हैं मैं पहुंच रहा हूँ। पटियाला थे अभी भी, उन्हें 1 घंटा पहले बात हुई है, उन्होंने ये कहा मैं पटियाला हूँ। तो पटियाला से अगर आदमी चलता भी है रास्ते में, कुछ तो कहता है आप कहाँ तक पहुँचे, अभी मैं पटियाला ही हूँ, आप अभी फ़ोन कर लो, लाइव हम फ़ोन करके दिखाते हैं, अभी वो कहेंगे मैं पटियाला ही हूँ। तो ये किस तरीके का जवाब है? तो प्रशासन की तो हमें कोई सपोर्ट ही नहीं हो रही है। सरकारी गोताखोर है उसके बारे में कोई जानकारी है? हमें तो सर नंबर ही मिला था, हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बाकी सर ये जनाब खड़े हैं, हम इनसे संपर्क कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं अभी सरकारी गोताखोर पहुँच रहे हैं, बता रहे हैं अभी? अभी तो यही कह रहे हैं कि पहुँच रहे हैं, हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, कोई आया नहीं सर अभी तक। बाकी ये सब लोग आप देखेंगे, ये सब लोग गांव को ही हैं, इन्होंने बहुत मदद करी, तो ये कल से किया, बाकी सरकार की तरफ से भी कोशिश की थी कल ढूंढने का? ढूंढा जी शाम तक और आज भी सुबह से लगी रहे जी, कई किलोमीटर तक देख आए। अच्छा, देखा है आप जी सुबह 10 बजे? तो आपके हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं जो है आधुनिक उपकरणों की जरूरत है अगर ढूंढना है उनको तो? जी जी, हागन बोट चाहिए, बोट चाहिए, हागन बोट चाहिए 8-10 किलोमीटर, मतलब ऐसे ना पानी की तेजाई ज्यादा है जी, तो इसमें लाश आगे चली गई, नीचे पग भी आगे 4-5 किलोमीटर, अब आदमी कितना तैर सकता है, 1 किलोमीटर तक तैर सकता है, फिर बाहर निकल जाएगा। अगन बोट में तो नुआ थोड़ी दूर चला भाई, अगन बोट में बैठ लिया, फिर देख दे घूमता हुआ चला जाएगा, पानी का फांटा लंबा चौड़ा। अभी 9 लड़के बढ़ने के बाद वो 5 किलोमीटर तक गए, कम से कम 5 किलोमीटर, कोई अब थक भी तो जा पानी में, अगन बोट होगा उसके सहारे तो आदमी 10 किलोमीटर चला जा, 12 चला जा, अब पानी में पैदल ही कहां तक जाएंगे? प्रशासन का कोई भी, मतलब पुलिस के अलावा फिलहाल और कोई जो है प्रशासन का व्यक्ति नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा जी यहां, कोई गोताखोर नहीं आया, सरकारी गोताखोर तो इसीलिए होते हैं कि ढूंढने के लिए, लेकिन वो भी नहीं, ना कोई नहीं आज यहां, हरियाणा की पुलिस तो आई नहीं जब तक यहां, कल भी तो, कल दो बंदे हैं हरियाणा की पुलिस, कल दो थे जी, आज एक ही है और कोई नत्ता जी, यहां 11 बजे के बाद गांव वाला कार्रवाई कर रहा है, ये हरियाणा का क्षेत्र है जी, हरियाणा है जी, ये क्षेत्र हरियाणा का ही है, हमारा जी हां, यहां कोई नहीं आ रहा, यूपी की पुलिस यहां कल 11 बजे शाम के टाइम और हमारे गांव बिडोली के लड़के हैं जितने भी हैं यहाँ तैरने वाले, कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी चीज की सुविधा नहीं मिली अब तक भी। तो यहाँ पर बता दें कि दोनों लड़के जो कि दीपक और प्रशांत, प्रशांत छोटा भाई, दीपक बड़ा भाई, उनके पिता हैं। अंकल क्या बोलेंगे अभी तक आप? सब बस यही मदद कर रहे हैं, बाकी प्रशासन कोई मदद नहीं है, 2 घंटे पहले पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे आने लग रहे हैं, आने लग रहे, आने लग रहे, अब तक कोई नहीं आया, अब भी बात करेंगे, 2 घंटे और हो चुके हैं, अब भी कह रहे आने लग रहे हैं, कब तक आएंगे, मैं कब तक बैठा हूँ, उनको बस आने लग रहे हैं, पूरी टीम है, कितनी टीम है जी, इनको 2 लड़के हैं, ये बताओ जी बनाने में 2 खोतक और क्या करेंगे? कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ढील है जो इस तरीके से आप, बहुत ज़्यादा ढील है, ढील नहीं कहते इसको, इसको बहुत ज़्यादा ढील कहते हैं, और जो ये करें इनको वोट मार, इनको वोट दे दो, मेरे बच्चे तो मारे वोट इनको मिल जाएगी, वाले ढूंढ देंगे 15 किलोमीटर तक घूम आएंगे जी, अगर हमें अगन वोट मिल जाए हम 15 किलोमीटर तक घूम जाएंगे जमुना में। अच्छा जी, 20 किलोमीटर भी जाना, हमें वोट होनी चाहिए, बिना अगन वोट के चला नहीं जाता, कितनी दूर जा सके, अगर वोट मिल जाए तो आप, वोट मिल जाए तो 20 किलोमीटर भी जाना पड़ जाए, 30 भी चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना सरकारी की जरूरत ना प्राइवेट की जरूरत, हम गांव वाले ढूंढ देंगे, बिडोली गांव के जितने भी हैं सारे गोताखोर हैं, सारे के सारे तैयार खड़े हैं, अगन बोट दो ला के दो या एक दे दो लाख अभी बढ़ जाएंगे, कल से ढूंढ ही रहे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी गोताखोर पीड़ बड़ोली गांव के वो खुद बोल रहे हैं कि अगर उन्हें कोई जो है बोट मिल जाती है तो वो खुद जो है वो ढूंढने के लिए प्रशांत और दीपक को निकल पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल अभी सरकारी गोताखोर नहीं पहुँचे। हाँ, बात हमारी ज़रूर हुई है, लगभग उनसे 2 से लगभग 4 से 5 बार दिन से बात हो चुकी है, हालांकि उनका कहना है कि वो
पहुंच रहे हैं, लेकिन अब ना जाने क्या उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है या क्या परेशानी आ रही है ये फिलहाल वो जानते हैं। लेकिन पानी की रफ्तार आप देखिए, पानी की जो रफ्तार है वो आप देख लीजिए कि कितनी तेज़ है ये रफ्तार पानी की। और आप समझ सकते हैं कि दोनों लड़के जो कि पिता के साथ आए थे, यहाँ से लगभग बता रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पे ही, 2 किलोमीटर के आसपास एक पीर है, वहाँ पर वो हर साल आया करते थे, जिसके बाद उनका बेटा जो था बड़ा दीपक वो इसमें नहाने के लिए जाता है, तो छोटा भाई प्रशांत उसे बचाने जाता है, जिसको जब उसके भी पाँव लड़खड़ाने लगते हैं, उसके बाद पिता भी बचाने के लिए जाते हैं, तो पिता खुद भी डूबने लगते हैं, लेकिन उनकी जान न जाने उन्हें खुद भी नहीं पता कैसे बच जाती है, लेकिन दोनों बेटे जो हैं वो इसी नहर के अंदर डूब जाते हैं। और सिर्फ यही उम्मीद लगाकर जो पिता है वो सुबह से यहीं पर बैठे हुए हैं, इसी जगह के ऊपर जो पिता है वो खड़े हुए हैं, और ये जगह आप देख सकते हैं बिल्कुल रेतीली जगह है, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये पूरी जगह जो है कई कई जो है फुट जो है ऊपर तक ये पानी में डूब जाती है गर्मियों के समय के अंदर, क्योंकि अब सर्दियों का समय आया है तो यहाँ पानी खत्म हो चुका है, और ये पूरी रेतीली जगह है जहाँ पर कुछ ही किनारे पर खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये जो किनारे हैं इनका कटाव धीरे धीरे होता जा रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि सभी जो गांव के गोताखोर हैं वो फिलहाल यही कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई भी बोट जो है वो मिल जाती है तो उसके बाद जो है वो फिलहाल प्रयास जो है वो कर सकते हैं दोनों भाइयों को ढूंढने का। पिता उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके बेटे जो है उन्हें जिंदा वापस मिल जाए, और हम भी यही उम्मीद लगाते हैं कि वो वापस मिल जाए, लेकिन ऐसे में फिलहाल जो है ये ज़रूर है कि आप देख सकते हैं गोताखोर जो है वो गहराई भी नापने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं कि कितनी गहरी है। हालांकि बीच में से आप देख लीजिए काफ़ी लंबी है और चौड़ी जो है ये नहर है, जो कि धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कटाव के दौरान बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में फिलहाल जो आपसे अपील करना चाहेंगे, इस वीडियो को शेयर करें, कहीं ना कहीं प्रशासन का भी ढील जो है वो ज़रूर है, क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है, अगर कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति डूब जाता है तो ना कोई बोट है ना ही किसी तरीके की कोई सुविधा है जिसको लेकर जो है किसी भी ऐसी हैपनिंग के अंदर, किसी भी घटना के अंदर उस व्यक्ति को बचाया जा सके या उसके शव को ढूंढा जा सके। तो आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक ले जाएंगे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।